एक बार एक गधा था जो कि रास्ते में जा रहा था और उसके ऊपर बहुत सारा बोझ लदा हुआ था। वो बेचारा बड़ा धीरे धीरे चला जा रहा था, तभी उसने देखा कि उसके पास में एक घोड़ा जा रहा है और जो घोड़ा था वो बहुत अच्छी तरीके से सजा धजा हुआ था और उसको खाना अच्छी तरीके से मिलता था, बड़ा स्ट्रांग था, लंबा चौड़ा था। उसको देख करके जो गधा है उसको बड़ी ईर्ष्या भी हुई और उसको बड़ा दुख भी हुआ। उसने घोड़े से कहा कि काश मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हें तो कुछ करना भी नहीं रहता और तुम्हारा जो मालिक है वो तुम्हारी अच्छी देखभाल करता है, अच्छे तरीके से तुमको रखता है, और यहाँ देखो मेरी किस्मत कि मुझे इतना सारा बोझ ढोना पड़ता है और मुझे ठीक से खाने को भी नहीं मिलता। घोड़ा बड़ा नाराज हो गया। उसने कहा, अरे तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझसे अपने को कंपेयर करो, कहाँ तुम कहाँ मैं, और ये कह के वो आगे निकल गया। उसके कुछ दिनों बाद में उस राज्य में एक युद्ध शुरू हो गया और वो जो घोड़ा है उसको, जो उसका मालिक था, उसको लेकर के युद्ध के मैदान में गया जहाँ पे घोड़ा बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया और वो मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी जो है गधा उसके पास से गुजरा और उसने उसको देखा और देख करके उसने कहा कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि मैं तो जीवित हूँ, और ये मेरी गलती थी कि मैं ये समझता था कि ये घोड़े की लाइफ जो है वो मेरी लाइफ से ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों, इसी तरीके से ये जो हमारी ज़िंदगी है उसमें कुछ लोग ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा फेमस होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, और हम ये महसूस करने लगते हैं कि वो बहुत लकी हैं, हम बड़े अनलकी हैं। इसका देखिए सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि हम जब अपने को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो उन्हीं चीज़ों के बारे में कंपेयर करते हैं जिसमें वो बेहतर होते हैं, दूसरे लोग बेहतर होते हैं, और उन चीज़ों के बारे में कंपेयर नहीं करते हैं जिसमें हम बेहतर होते हैं, और इसी वजह से जब हम अपनी तुलना किसी से भी करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम उन चीज़ों के बारे में सोचने लगें, उनको महत्व देने लगें, उनकी वैल्यू को समझने लगें जो हमारे पास में है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सब के पास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम गर्व महसूस कर सकते हैं और जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें अपने को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है उसमें हमें खुश रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे पास क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि जिस दिन आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट करने लगेंगे जो आपके पास में हैं, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ शुरू हो जाएंगी। और जब तक आप अपने को दूसरों से उन चीज़ों के बारे में कंपेयर करेंगे जो आपके पास नहीं है, तब तक आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हमेशा आपसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ों में बेहतर होगा। तो हमारे पास जो भी है हम उसकी अहमियत को समझें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हमें ये सब चीज़ें दी है, और इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं और ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं।